इंग्लिश ग्रामर के अंदर हमने सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को स्टार्ट किया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने कैसे। सबसे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब है बोलने कैसे। बोलने कैसे कितने होते हैं? 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजुगेशन, इंटरजेक्शन, ये सारे बोलने के हिस्से हैं। इनको बारी बारी से हम डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, लेकिन इस वीडियो में खाली इनकी डेफिनेशन में बताऊँगा। नेक्स्ट वीडियो में इन सारों की काइंड्स और जो जितने भी काइंड्स हैं उनके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं नाउन को स्टार्ट करता हूँ। नाउन क्या है? सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन जो है किसी जगह या शख्स या चीज को हम नाउन कहते हैं, यानी कि आप जो चीज़ आप देख सको, उसे छू सको और उसका नाम हम आप उसको कहते हैं नाउन। एग्जाम्पल जैसे कि अली राइट लेसन। अली क्या है? अली यहाँ पर जो है नाउन है, नाम है किसी आदमी का। तो अली राइट लेसन, अली खत लिखता है। इट इज़ अ बुक। बुक क्या है? एक नाउन है। इट इज़ अ चॉकलेट। चॉकलेट क्या है? नाउन है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, एंड पेन हो गया, बुक्स हो गए, टेबल्स हो गया, चेयर हो गई, बहुत सारी ये क्या है? नाउन है। ठीक है, तो दूसरा हमारे पास प्रोनाउन। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन यानी कि उसे कहते हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। प्रोनाउन को हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल किया करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अली राइट लेसन, अली खत लिखता है। यहाँ पर अली क्या है? नाउन है। राइट लेसन, अली खत लिखता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक शागिर्द है। तो अली की जगह पर मैंने ही का इस्तेमाल किया। ही हमारा प्रोनाउन है और अली हमारा नाउन है। ठीक है, तो हम प्रोनाउन को नाउन की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद है मेरा वर्ब। वर्ब क्या है डेफिनेशन इसकी? वर्ब इज़ एन एक्शन वर्ड। वर्ब एक एक्शन वर्ड है, यानी कि कोई भी एक्शन आपके सामने हो रहा हो उसको हम कहते हैं वर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आदिल ईट्स फूड। आदिल खाना खाता है। आदिल क्या हमारा नाउन है, फूड क्या हमारा नाउन है, किसी चीज़ का नाम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ऑब्जेक्ट। तो ईट्स यानी कि एक एक्शन हो रहा है खाने का, तो ये हमारी वर्ब हो गई। उसके बाद है आलियान प्लेज क्रिकेट। आलियान जो है हमारा नाउन है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट या नाउन भी हो सकता है, प्लेज हमारा वर्ब है यानी कि एक एक्शन हो रहा है खेलने का। तो आलियान प्लेज क्रिकेट, तो ये हमारा वर्ब था। उसके बाद है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब क्या है? अ वर्ड विच टेल अस समथिंग अबाउट वर्ब इज सेड टू बी एडवर्ब। यानी कि वो अल्फाज जो नाउन के वर्ब के बारे में हमें कुछ बताएं, हम उसको कहते हैं एडवर्ब। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आदिल ईट्स फूड नॉर्मली। आदिल खाना खाता है नॉर्मली, यानी कि आहिस्ता, यानी कि नॉर्मली से। तो नॉर्मली जो है यहाँ पर ये एडवर्ब है। ठीक है, तो दूसरे हमारे पास है आलियान ड्राइव अ कार बैडली। आलियान कार चलाता है बैडली। ठीक है, बैडली, नॉर्मली, क्विकली, फास्टली एंड जो भी जितने में वो हमारे सारे क्या हैं? एडवर्ब है। ठीक है, उसके बाद हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। अ वर्ड विच शोज द क्वालिटी एंड क्वान्टिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज सेड टू बी एडजेक्टिव। यानी कि वो अल्फाज जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी और क्वान्टिटी को शो करे उसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आदिल इज़ एन इंटेलिजेंट। आदिल क्या है? इंटेलिजेंट है। आदिल एक नाउन है, इज़ हमारे हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आदिल इज़ एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, यानी कि उसकी जो खासियत है, उसकी जो ये क्वालिटी है वो क्या है? इंटेलिजेंट है, यानी कि होशियार है। तो देयर आर फोर बुक्स। अब फोर क्या हमारा एडजेक्टिव है। अब ये किस एडजेक्टिव है भाई? यहाँ पर देख रहे हैं एक क्वालिटी का बता रहा है और एक क्वान्टिटी का यानी कि मकदार का बता रहा है। तो देयर आर फोर बुक्स। बुक्स जो है वो चार हैं, तो फोर हमारा एडजेक्टिव हो गया। इस तरह हम इसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन। इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू शो देयर रिलेटिव रिलेशन टू समथिंग एल्स इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। यानी कि जो लफ्ज़ जो वो लफ्ज़ जो नाउन या प्रोनाउन के आगे काम आए उनका ताल्लुक किसी दूसरी चीज़ों से मतलब दिखाए और उसको प्रीपोजिशन कहते हैं। यानी कि उनका जो ताल्लुक है किसी दूसरी चीज़ों से दिखाए उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर द बुक इज़ ऑन द टेबल। किताब मेज़ के ऊपर पड़ी है। द बुक इज़ ऑन टेबल, ये ऑन जो है वो हमारा प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल है आई एम एट द शॉप, यानी कि मैं दुकान पर हूँ। मैं एक लोकेशन बता रहा हूँ आपको कि मैं दुकान पे हूँ। तो एट क्या है हमारी, हम लोकेशन में इस्तेमाल करते हैं, तो एट हमारा प्रीपोजिशन है। उसके बाद आई एम इन स्कूल, मैं स्कूल में हूँ। इन क्या है, यानी कि किसी चीज़ के अंदर हूँ, मैं स्कूल में हूँ। ठीक है, तो ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद हमारा कंजक्शन।
इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच ज्वाइंस टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस इज कॉल्ड कंजक्शन, यानी कि वो जुमला जो जुमलों के दो हिस्सों को मिलाए उसको हम कंजक्शन कहते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल जैसे आलियान रैन क्विकली, आलियान तेज़ी से दौड़ा, बट लेकिन बट द ट्रेन हैज़ गॉन, जो ट्रेन थी वो जा चुकी थी। यानी कि ये एक जुमला ये और एक जुमला ये, यानी कि इस दो हिस्सों को मिलाकर हमारा एक जुमला बनता है जिसको हम कहते हैं, यानी कि इन दो हिस्सों को हमने मिलाया और हमारा एक जुमला कम्प्लीटली जुमला बन गया जिसको हम कहते हैं कंजक्शन। ठीक है, तो ये था और आज के जो नेक्स्ट हमारा है इंटरजेक्शन, इसकी डेफिनेशन है अ वर्ड विच एक्सप्रेस इमोशन इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन का मतलब क्या है, यानी कि ये इसका मतलब है कि वो अल्फाज जो किसी जज्बे को जाहिर करता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन किसको कहते हैं, वो अल्फाज जो किसी जज्बे को जाहिर करता है उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे गुड, ग्रेट, ये सारे क्या हमारे कंजक्शन है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे अगली वीडियो आप तक पहुंच सके।